संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? उत्तर प्रदेश के संभल में जो हिंसा भड़की उसमें 5 लोगों की जान चली गई, हालात बेकाबू हो गए, लेकिन अब धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अब संभल हिंसा पर सियासत होनी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी संभल हिंसा पर बीजेपी के साथ साथ योगी सरकार को घेरा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार यानी कि 4 दिसंबर 2024 को कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने गाजीपुर सीमा पर उनके काफिले को रोक दिया, जिससे हिंसा प्रभावित संभल में उनका प्रस्तावित दौरा अवरुद्ध हो गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि पुलिस ने उन्हें प्रभावित लोगों से मिलने के लिए उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि वो अपना काफिला छोड़कर पुलिस के साथ अकेले संभल जाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें कुछ दिनों बाद वापस आने को कहा है। राहुल गांधी ने गाजीपुर बॉर्डर पर कहा, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस मना कर रही है, हमें जाने नहीं दे रही है। एलओपी के तौर पर मेरा अधिकार है कि मैं जाऊं, लेकिन ये मुझे रोक रहे हैं। मैं अकेले जाने और पुलिस के साथ जाने को तैयार था, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं माना। वो कह रहे हैं कि अगर हम कुछ दिनों में वापस आ गए तो वो हमें जाने देंगे। विपक्ष के नेता ने आगे कहा, ये विपक्ष के नेता और संविधान के अधिकारों के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वहाँ क्या हुआ, हम लोगों से मिलना चाहते हैं। मेरा संवैधानिक अधिकार मुझे नहीं दिया जा रहा है। ये नया भारत है, ये संविधान को खत्म करने वाला भारत है, ये अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने वाला भारत है। हम लड़ते रहेंगे। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहां क्या हुआ। नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस दौरान अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी को हिंसा के पीड़ितों से मिलने का अधिकार है। उन्होंने कहा, संभल में जो कुछ भी हुआ वो गलत है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, उनके पास संवैधानिक अधिकार है और उन्हें इस तरह से नहीं रोका जा सकता। उन्हें पीड़ितों से मिलने जाने का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अकेले यूपी पुलिस के साथ जाएंगे, लेकिन पुलिस ऐसा करने को भी तैयार नहीं है। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि वो इतना भी नहीं संभाल सकते। वो इतने अहंकार से क्यों कहते हैं कि उन्होंने कानून व्यवस्था संभाल ली है? राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा यूपी की पुलिस के साथ, मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में?